मोहाली में भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच आज। पंजाब पुलिस के 3000 मुलाजिम सुरक्षा में तैनात। 10 जगह पर होगी पार्किंग की व्यवस्था। मोहाली के IAS बिंद्रा स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें करीब 3000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही करीब 15 दंगा रोधी टीम भी तैनात की गई है। मोहाली पुलिस के अलावा दूसरे जिलों से भी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं। क्रिकेट मैच के दौरान किसी प्रकार की सुरक्षा संबंधी कोई समस्या ना हो, इसके लिए मोहाली पुलिस ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। सुरक्षा प्रबंधन की जानकारी देते हुए ADGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने बताया कि मैच के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी रोपड़ रेंज के IG गुरप्रीत सिंह भुल्लर की होगी। उनके निर्देशन में मोहाली के SSP डॉक्टर संदीप गर्ग और रोपड़ के SSP विवेकशील सोनी सुरक्षा प्रबंध देखेंगे। इसमें डॉक्टर संदीप गर्ग स्टेडियम के अंदर की जिम्मेदारी निभाएंगे, जबकि विवेकशील सोनी स्टेडियम के बाहर के आसपास के इलाके में तैनात रहेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच देखने आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए मोहाली प्रशासन की तरफ से 10 जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे बड़ी पार्किंग सेक्टर 68 वन विभाग के सामने बनाई गई है। यहाँ पर करीब 1000 गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है। VIP पार्किंग के लिए हॉकी स्टेडियम में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा फेज 8 में भी पार्किंग की व्यवस्था है। मोहाली प्रशासन ने PUDA भवन, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, फेज 10 मार्केट, फेज 11 मार्केट, YPS चौक और गेट नंबर 6, 7, 8 और 9 के सामने फेज 9 में खाली ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की है।